है सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रो एंड नूबड़ो बंदो, हम अपने चैनल पे बहुत दिन बाद आ रहे हैं। सो गाइस, इस चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट एंड लव का ज़रूरत है। सो गाइस, इस चैनल पे जो जो बंदे नए पहुंच रहे हैं, उस वो बंदे से कृपया निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ठोके वीडियो को। एंड या अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ तुमको पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। सो गाइस, ज़्यादा ना सोचते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। कुछ ऐसा फ़ोटो क्लिक कीजिएगा जिसमें आपका स्काई पूरी अच्छी तरीके से आ जाए। एंड देखिए, फ़ोन में ही हमारा सेटिंग में दिया हुआ स्काई का ऑप्शन। एंड यहाँ से बहुत सारी स्काईज का ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोटो में यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से हम इसको हम सेव कर लेते, ये हमको पसंद आ गया। अगर आपके फ़ोन में अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो इसके लिए एक ऐप है, उस ऐप का नाम है पिकनिक। वो ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें भी बहुत सारा स्काई का मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से मतलब आप अपना ओपेसिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऊपर वाला बादल का है, वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं बहुत अच्छी, ये मुझे अच्छा लगा, इसको कर लेते हैं हम सेव। और ये खुद पे खुद बैक हो जाता है। एंड ये हमारे गैलरी में देखिए सेव हो गया। अच्छी क्वालिटी देता है, क्वालिटी लॉस नहीं होता है इसमें, बस थोड़ा सा। एंड गाइस, अब इस फोटो को हम करेंगे अपने फेस को स्मूथ। इसके लिए हम अपने ऑटोडेस्क में इस फोटो को करेंगे सेंड, वहाँ पे करेंगे इसको ओपन। एंड गाइस, यहाँ पे हो गया ओपन। एंड गाइस, यहाँ से इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। ये क्या है, ये क्यों बोल गया। इस फोटो को टच करेंगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, उसको डुप्लीकेट करेंगे। एंड ये फिर यह इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ से हम ब्रश को, ये वाला ब्रश को कर लेंगे चूज़। एंड यहाँ से साइज़ अपना आगे पीछे कर सकते हो। एंड फ्लो को हमेशा कम रखना, एंड स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड गाइस, अच्छे तरीके से अपने फेस को स्मूथ करना सीख लो, क्योंकि मतलब फेस जब तक स्मूथ दिखेगा नहीं, अच्छा दिखेगा नहीं, तब तक फोटो एडिटिंग अच्छा नहीं लगता है यार दिखने में। मतलब कोई भी अच्छा से प्रीसेट पेस्ट कर दिए, यूज़ कर लिए, पोस्ट कर दिए, कुछ कुछ फ़ोटोज़ तो अच्छा दिखता है, किसी किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है, बट किसी किसी का मतलब पिंपल्स वगैरह होते हैं तो उससे अच्छा नहीं दिखता। तो आप इस चीज़ के लिए स्मूथ कर सकते हैं। एंड स्मूथ होने के बाद इसको हम कर लेंगे सेव टू डिवाइस। यार हो जाए जल्दी, बहुत स्लो काम करता है। एंड यहाँ पे हो गया, इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। एंड गाइस, हम अपने गैलरी में चलेंगे। ये आ गया हमारा फ़ोटो। अब इस फोटो को हम अपने लाइटरूम में करेंगे शेयर। ये रहा लाइटरूम, इसको लाइटरूम में शेयर किए। एंड नोटिफिकेशन पैनल पे इसका नोटिफिकेशन आएगा, वहीं से हम ओपन इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एंड ये हो गया ओपन। एंड एक आप लोग को DNG फाइल देंगे हम लिंक में, वहाँ से आप DNG फाइल डाउनलोड कर लेना। एंड इस DNG फाइल को यूज़ करके अपने फ़ोटो में पेस्ट कर देना, ताकि यही कलर आपका टोन मतलब आपके फ़ोटो पर चढ़ जाए। देख सकते हैं कितना अच्छे से चढ़ गया, बस थोड़ा बहुत मैनुअली करना होगा। इसके लाइट्स में जाके अपने हिसाब से वाइट्स ब्लैक्स को थोड़ा ऐसे, वाइट ठीक है, हाईलाइट को थोड़ा कम, एंड ठीक है ब्लैक, ठीक है। एंड जाएंगे मिक्स में हम, एंड थोड़ा सा फेस के कलर को ब्राइट करेंगे, एंड रेड कलर को भी थोड़ा ब्राइट करेंगे। ये हो गया, एंड ये भी ठीक है। एंड थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए फ़ोटो में, इसके लिए शार्पनेस बढ़ा लिया। देख सकते हैं सर कितना अच्छा तो मतलब लग रहा है दिखने में। एंड गाइस, इसको अब हम करेंगे स्नैपसीड में सेंड। किस लिए, वो एक्चुअल में क्या उसको बोलते हैं, डॉजन बर्न के लिए, सॉरी डॉजन बर्न करेंगे इस फोटो में। पहले ये वाला इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, इस प्रीसेट को, मतलब इसका भी प्रीसेट आता है, इसको यूज़ कर लेंगे, इसको कर लेंगे डन। देख सकते हैं गाइस, हमारा कलर वापस आ गया हमारे फ़ोटो में। एंड गाइस, थोड़ा बहुत लाइट्स का थोड़ा सिचुएशन इसका कम करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं,
ठीक है, पैर का थोड़ा सा छोटा करके इसको हम कर लेंगे, सेचुरेशन इसका, ब्राइटनेस ये भी ठीक है, एंड थोड़ा हैंड्स का जहाँ पे ज़्यादा मतलब सेचुरेशन लगा वहाँ पे हम थोड़ा कम कर देते हैं, उस प्रीसेट को यूज़ करने के बाद वैसा होता है। ये हो गया, एंड गाइस अब हम देख लेते थोड़ा फोटो, ठीक है गाइस थोड़ा सा हम नहीं ये नहीं, पहले हम डज एंड बर्न कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटो पे, ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी दिखने लगे। उसके लिए आप -5 पे करके देख सकते हैं गाइस, तब हमारा फेस चमकने लगा थोड़ा बहुत, और जहाँ जहाँ नाक पे थोड़ा सा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अच्छे तरीके से देख के उगा लीजिएगा, थोड़ा सा कान में, हैंड्स पे एंड नेक पे, गर्दन पे थोड़ा सा। अच्छा, और पैर पे थोड़ा सा, ये भी हो गया, एंड डन करके हम लेंस ब्लर पे जाएंगे, ये इसलिए ताकि आपका फेस और स्मूथ हो जाएगा। और ये देखिए विग्निटी को एकदम कम कर लीजिएगा, एंड यहाँ से कर लेंगे डन, एंड जाएंगे ऊपर वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ से करेंगे व्यू एडिट्स, एंड यहाँ से करेंगे इसको इरेज, ये हो गया, एंड इसको हम 175-50 पे करके अपने फेस पे उगाएंगे, ताकि हम लोग का फेस जो होता है और मतलब स्मूथ हो जाए, अच्छा दिखने लगे। तो गाइस फाइनली बनने वाला है, हम लोग का फोटो तैयार होने वाला है, बस यही स्टेप लास्ट बचा हुआ, तो इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे, और अच्छे तरीके से मतलब हर एक कोने को, ये नहीं कि जहाँ मतलब ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे भी उगा दीजिएगा इसको, मतलब ये डजेंट बर्न करने के बाद कीजिएगा, डजेंट बर्न करने के पहले मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छा दिखता है। डजेंट बर्न होने के बाद अगर ये ब्लडी का यूज़ कीजिएगा तो आपका फ़ोटो जो होता है मतलब अच्छे तरीके से चमकता है, तो अच्छे तरीके से परफेक्टली चमकेगा आपका फ़ोटो। और अपना लोगो भी एक बनाया करो यार, मतलब फ़ोटो बनाते लोगो बनाओ क्या स्पेशल सा, और मुझे भी कोई लोगो सजेस्ट करो। और वीडियो यहीं पे होगा आप ख़त्म, अब लाइक कर दो, कमेंट भी करना कैसा फ़ोटो है जो। बाय।